हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो इसी के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ज़्यादा बोर ना करते हुए। तो और मेरी प्रीवियस वीडियो जो आई है उसे ज़रूर देखें, और जिन्होंने उसमें सपोर्ट किया उनको मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। इसी के साथ आगे इसमें मैंने आपने देख ही लिया अगर मेरे थंबनेल में मैंने थोड़ी अलग स्टाइल लिया है। जो मैंने आगे जो वीडियो बनाई हुई है प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें मैंने आपको फेस सिखाया। इसमें मैंने आपको ट्यूटोरियल नहीं स्पीड ड्राइंग रखा है इसमें। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर देना। मैं आपके एक एक कमेंट्स पढ़ती हूँ, और उसे हो सके तो मैं हर्ट भी सबको देना चाहूँगी, तो प्लीज़ कमेंट भी करो। तो अगर आप वीडियो में बोर हो रहे हो तो वीडियो में म्यूजिक सुने और मजा लीजिए। तो वैसे भी इस वीडियो में हमने बातें भी बहुत कर ली, इसी के साथ हमारा फेस भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलो बातों पे कम ध्यान दो और ड्राइंग पे ज़्यादा। और दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर चैनल को करें। मैं बहुत मतलब थोड़ी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब कमेंट्स करते हैं। तो जो मैंने ऐसी बेस लाइंस बनाई थी तो अब मैं उसको रब कर लेती हूँ, और मैं फ़ोन बनाऊंगी, जाना माना फ़ोन जो आप सबको पता होगा, जो सबका लोकप्रिय हो चुका है। तो इसमें मैंने एक स्टैंडिंग पोज बनाया जिसमें मेरी जो प्यारी सी फिट सी लड़की है इसने एक फ़ोन पकड़ा हुआ है। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप मेरी वीडियो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ड्राइंग बनाते हैं तो आई होप आप इससे कुछ सीखें। और मेरी अदर्स वीडियोस में मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता रखा है अच्छी तरह से, और फेस भी, तो उसे भी एक बार ज़रूर देख लें। तो आप सबको एक चीज़ में प्रॉब्लम होती होगी, हैंड्स बनाने में उंगलियां थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी बन जाती होगी, तो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी अच्छी बनेगी। तो अगर आपसे बनती है तो आप सोचते हैं ऐसे तो थोड़ी शेडिंग करें, शेडिंग से थोड़ा अफेक्ट पड़ता है और हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो अच्छी लगने लग जाती हैं। तो अब मैं थोड़ी बैली, अब मेरा बॉटम चीज आ चुकी है, तो मैंने एक बार ड्रॉ कर चुका है और इसे हम बाद में आउटलाइन कर लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए तो मैंने इसके एक आउटफिट सा थोड़ा दे दिया, और अब बस थोड़ी सी लाइंस थोड़ी डिफाइन करने रह गई। अभी तो मैंने ऐसे ही बना लिया, तो इसे वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसका रिजल्ट देखें। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो एक चेक बॉक्स बना रही हूँ उसकी जैकेट में, तो जो उसको अच्छा इफेक्ट था। I'm not afraid to die.
शेडिंग कर दिया है हेयर्स में, और जो मैंने इसका और मैंने इसमें ब्लैक पेन यूज़ किया थोड़ा हाईलाइटिंग के, बीच में पेंसिल कलर, और शेडिंग के लिए मैंने सिंपल पेंसिल यूज़ किया है। तो मेरी वीडियो का एंड हो चुका है, तो अलविदा लेते हुए